हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज वीडियो जो है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि भाई सबको अपनी गाड़ी से प्यार होता है, लेकिन भाई एक डर सबको रहता है कि भाई मान लो अगर मैं अपनी गाड़ी कहीं बाहर पार्क करता हूं तो वो चोरी ना हो जाए। क्योंकि भाई अभी के डेट में ना चोरी जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है और भाई चोरी होना जो है आजकल काफी ज्यादा आम बात हो गया। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे जो है चोर आपकी गाड़ी को चोरी करके ले जाता है, ऐसा क्या क्या स्टेप वो फॉलो करता है जिससे वो आपकी गाड़ी को इजिली चोरी करके ले जाता है। और भाई आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे वो अपनी गाड़ी को चोरी होने से बचा सकते हो, और भाई मैं जो बताऊंगा भाई अगर आप वो चीज फॉलो करते हो इस चीज से अभी गाड़ी जो कभी भी चोरी नहीं होगी। सो गाइस इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, तो भाई वीडियो को स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर देना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो इस फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई इस गाड़ी का मेरे पास दो चाबी है, ये जो चाबी मेरे को ओरिजिनल शेवलेट से मिला हुआ था, जो कि भाई कंपनी में आप जब भी गाड़ी खरीदते हो तो आपको दो चाबी दिया जाता है, तो भाई ये वही वाला ओरिजिनल चाबी है। इसमें अंदर में सेंसर भी लगा हुआ है, और भाई ये जो चाबी मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो मैंने आफ्टर मार्केट बनवा रखा है। तो भाई इससे क्या होता है गाड़ी का लुक जो काफी ज्यादा अच्छा होता है और फ्लिप की देखने में भी मजा आता है। तो भाई मैंने इसको जो आफ्टर मार्केट जो इसको बनवा रखा है कंप्यूटराइज्ड की मेकिंग शॉप से। तो भाई अगर मान लो कोई भी गाड़ी आप कोई भी चोर आपकी गाड़ी को चोरी करने आता है, तो भाई सबसे पहले वो चीज क्या करेगा, तो भाई मान लो उसके पास ना ये अवेलेबल होगा ना ही ये अवेलेबल होगा, वो क्या होगा डायरेक्ट आपकी गाड़ी का शीशा वगैरह तोड़ के जो गाड़ी के अंदर घुसेगा। लेकिन भाई इस कंडीशन में भाई कंपनी आपको क्या सेफ्टी देती है चलो मैं वो बताता हूँ। भाई सबसे पहले चोर क्या करेगा, वो अपनी गाड़ी का जो आप ये देख रहे हो ये जो है ना ये वाला डिजाइन जब तक उस चोर के पास अवेलेबल नहीं होगा वो आपकी गाड़ी का चाबी आपके जो है की होल पे नहीं लगा सकता। जो बंदा आपकी गाड़ी ले जाने आया है उसके में इतना एक्सपीरियंस होता ही है कि भाई वो एक नॉर्मल प्लेन चाबी में ना आपका यहाँ एक बार वो होल पे एक बार चाबी डाल के देखेगा सिर्फ प्लेन चाबी को, और भाई वो जो है अपने हिसाब से ना इसको काट काट के वो खुद से ही इसको जो है डिजाइन करके बना लेगा। तो भाई इतना एक्सपीरियंस वो लोग होते ही है कि भाई अगर आप उसको कोई चाबी भी नहीं दोगे ना सैंपल चाबी, तो बिना चाबी देखे ही ना इसके की होल की मदद से वो जो है ये सैंपल की मतलब की नॉर्मल की को वो बना लेगा। तो भाई इस कंडीशन में क्या होगा आपकी गाड़ी का चाबी जो है आपकी कार में लग जाएगा, कार में तो लग जाएगा। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये मेरा जो चाबी है ये जो है मैंने खुद से अपने हिसाब से डिजाइन करके बनाया क्योंकि मैं कार को ले जाना आया हूं। तो अब बताता हूं कि कैसे इसको जो है चेक किया जाता है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। भाई वो क्या होगा बंदा जो अपने हिसाब से डिजाइन करके ये चाबी तो बना लेगा, लेकिन क्या होगा जैसे वो चाबी को होल पर डालेगा जैसे डालेगा आप देख सकते हो गाड़ी का चाबी चालू हो गया, देख सकते हो एक्सेसरीज में आ गया लाइट उट चालू हो गया। जैसे अगर मैं और चालू करूंगा तो भाई गाड़ी का जो अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाएगा। तो भाई आप देख सकते हो सब चीज जो है मेरी गाड़ी का चालू होने लगा। अब आप सोच रहे होगे कि भाई सब कुछ तो मैंने कर लिया, चोर ने सब कुछ जो है चालू कर लिया, अब वो जैसे ही गाड़ी का सेल्फ मारेगा गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा और वो जो है चला जाएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है आपकी। मैंने बोला था ना कि भाई कंपनी वाले आपको गाड़ी में कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी देते हैं, अब वो क्या सिक्योरिटी फीचर्स है चलो बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है चाबी बंद करके आपको मैं दिखाता हूँ। आपके इस चाबी के अंदर ना एक सेंसर दिया जाता है जो कि आपकी गाड़ी के इसमें इमोबिलाइजर लगा हुआ होता है वो उससे मैच करता है। जब तक आपकी गाड़ी का इसका सेंसर और इसके सेंसर से मैच नहीं होगा तब तक भाई आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो भाई वही चीज है जो आपकी गाड़ी में आपको जो कंपनी वाले जो सिक्योरिटी फीचर देते हैं, तो भाई वो चोर कितना भी इसको बना लेगा जब तक इसको ही बना लेगा ना तो उससे क्या होगा आपकी गाड़ी का इग्निशन तक चालू होगा, इग्निशन के आगे आपकी गाड़ी का इंजन जो है नहीं स्टार्ट होगा। आपका इंजन जो है क्रैंकिंग तो लेगा लेकिन भाई इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो भाई इसके लिए भी उन लोग के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन भाई ये चीज मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ। इसमें एक सेंसर दिया होता है जो कि कंपनी वाले लोग देते हैं और ये जो इसमें इमोबिलाइजर दिया होता है, जब तक ये दोनों चीजें मैच नहीं होते ना गाड़ी का इंजन सेल्फ तो लेगा सेल्फ राउंड लेगा लेकिन भाई इंजन स्टार्ट नहीं होता। ये चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भाई इस कंडीशन में अभी गाड़ी बिल्कुल भी चोरी नहीं हो सकती। तो भाई पहले केस में ऐसे चोरी नहीं हो सकता, लेकिन भाई एक केस और होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इसमें एक सेंसर लगा हुआ होता है और इसमें भी एक सेंसर लगा हुआ होता है, जब तक वो दोनों मैच नहीं होगा गाड़ी चालू नहीं होगा। लेकिन भाई एक चीज क्या होता है वो लोग जो है ना एक मशीन लेके चलते हैं मशीन कैरी करके चलते हैं, वो क्या होगा यहाँ पे आपकी गाड़ी यहाँ पे ओबीडी पोर्ट दिए होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओबीडी पोर्ट दिया हुआ है, भाई वो लोग क्या करते हैं इस ओबीडी पोर्ट में डाल के ना एक उन लोग के पास मशीन होता है, वो लोग क्या करते हैं आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल चाबी है मैंने इसको किसी से खुद बनाया और उसमें एक सेंसर मैंने खुद से लगाया, और वो क्या करते हैं इसका जो इश्यू का जो इन्फॉर्मेशन है ना इसका जो इमोबिलाइजर का जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पे कॉपी कर देते हैं। इसको कॉपी करने के बाद आपकी गाड़ी जो है ना भाई चाहे आप कुछ भी रहो आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर उन लोग के पास इतना ज्यादा आइडिया है तो वो क्या करेंगे इस गाड़ी का जो इमोबिलाइजर है उसको जो है एक मशीन के थ्रू कंप्यूटर के थ्रू कॉपी करेंगे इस चाबी पे या फिर नए चाबी पे जो भी चाबी लेके आ रहे हैं ना वो चाबी कॉपी कर लेंगे और गाड़ी का इंजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई कुछ ऐसे ही प्रोसीजर को फॉलो करके गाड़ी को चोरी किया जाता है। अब मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता कि उन लोग कैसे करते हैं लेकिन भाई कुछ ऐसा ही स्टेप होता है, क्योंकि जब तक गाड़ी का इमोबिलाइजर गाड़ी के चाबी के सेंसर से कॉपी नहीं होगा तब तक भाई गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा, आप कुछ भी कितना भी कोशिश कर लो। तो भाई कुछ इस टाइप से गाड़ी को चोरी किया जाता है। इस वीडियो का मोटिव यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि गाड़ी को चोर कैसे चोरी करके ले जाते, गाड़ी को चोरी होने से आप कैसे बचा सकते हो, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आपकी गाड़ी जो है चोरी नहीं होगी। तो भाई आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके जरूर बता देना कि भाई मेरे को हाँ वीडियो चाहिए, तो भाई मैं जरूर उस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आप अवेयर हो कि गाड़ी को कैसे चोरी से बचाया जाता है। सो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।